हेलो फ्रेंड, फैशन डिजाइनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे नाइटी, जो महिलाओं का रात्रि का वस्त्र होता है, जो ढीला ढाला होता है, उसे हम नाइटी भी बोलते हैं, जिसमें फुल लेंथ है 54 इंच, ए बी यानी अक्रॉस बैक तीरे हमारे 14 इंच, बस्ट हमारी 36 इंच, वेस्ट कमर हमारी 28 इंच, स्लीव की लेंथ बाजू की जो लंबाई है वो 4 इंच और बाजू का जो घेर है वो 12 इंच, योक हमारा चेस्ट का 4। इस तरीके से हम नाइटी बनाएंगे। पहले हम लेते हैं अपना योक, योक ले लेते हैं जो हमारा चेस्ट का 4 है। चेस्ट हमारे पास 36 इंच है, यानी 9 चौक 36। हम अपना योक लेते हैं, नौ इंच। इसके बाद लेते हैं हम अपने तीरे, एक्रॉस बैक तीरा हमारा 14 है, तो यानी तीरे का हमारा हाफ आएगा 7 इंच। इस तरीके से हम इसे बना लेते हैं। ये देखिए, ऐसे हमने इसको बना लिया है। अब हम इसमें लेंगे जो कि हमने ये लिया था अपना एक्रॉस बैक हाफ, ये हमने लिया था योक, हमने लिया था चेस्ट का 4। अब हमें चेस्ट लेनी है, जो कि हम चेस्ट का 4 + 1.5 इंच लेंगे। योक हम लेंगे चेस्ट का 4 + 1.5 इंच, यानी 9 हमारी चेस्ट हुई, 10, 10.5, 10.5 इंच हम ये अपना निशान लगाएंगे। अब हम ऊपर से तीरे गिराएंगे। पहले हम नेक निकाल लेते हैं, जो हमें चेस्ट का 12 चाहिए। चेस्ट हमारी 36 है, 12 हमारा 3 हुआ, इधर से भी हमें 12 ही चाहिए बैक नेक निकालने के लिए। हम इसे मिला देंगे। यहाँ पे हमें जो हमारी बस्ट है या चेस्ट है उसका हमें 36वां हिस्सा चाहिए, यानी 1 इंच, इसलिए हम इसे यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। ये हमने अपने तीरे को डाउन कर दिया है। अब इसमें हम या तो इसका हाफ कर लें या हम इसमें चेस्ट का 12वां ले लें, तो हमारे लिए सबसे बेनिफिट होता है कि हम चेस्ट का 12वां लें। गोलाई निकालने के लिए हाफ इंच हम अंदर जाएंगे और हाफ इंच हम बाहर रहेंगे, और इसकी बैक और फ्रंट की आर्महोल की गोलाई निकालेंगे, जो कि हमारी इस तरह से आएगी। इस तरीके से अब हम यहाँ पे इसकी फेसिंग और लैप लेंगे, जो हमें यहाँ पे चैन या चिट बटन वगैरह लगाने के लिए होती है, ये हम हाफ इंच लेंगे और आगे हम 2 इंच लेंगे, यानी हम टोटल 2.5 इंचेस लेंगे ऐसे। इस तरीके से हम इनको मिला देंगे। ये हमारी फेसिंग है, ये देखिए, ये हमारी हाफ इंच है, ये हमारी 2 इंच है। इसके बाद हम नीचे 1.5 इंच आएंगे, जो थोड़ा जो हम एक्स्ट्रा लेंगे, वो हम इसलिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं इसको योक बनाने के लिए। वही जब हम इसका बाकी की लेंथ लेंगे घेर की, तो वो उसमें माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच लेते हैं एक्स्ट्रा ऐसे, और अब हम इसे इससे मिला देंगे। इस तरीके से ये हमने लिया 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब हम नीचे की जो हमारी लेंथ है वो लेंगे बाकी की, उसमें हम अपना योक जो हमने लिया है उसे हम माइनस कर देंगे। योक हमारा था चेस्ट का 4 और हमने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है हम उसको माइनस करेंगे, बाकी का हम घेर लगाते हैं।
अब हमें घेर कैसे लेना है? हमें घेर लेना है जो हमारी बस्ट है उसका दूसरा हिस्सा, यानी बस्ट हमारी 36 है तो यानी 18 इंच का हमें घेर लेना है। विड्थ जो चौड़ाई लेंगे घेर की वो हम 18 इंच लेंगे। और ऐसे हम मिला देंगे। अब हमें इसको यहाँ पे जोड़ने के लिए, यहाँ पे हम चेस्ट का 12वां और यहाँ पे भी हम चेस्ट का 12वां माइनस एक चेस्ट का 12वां हमें हमारा 3 इंच होता है और उसमें से हम माइनस एक करेंगे तो हमारा 2 इंच हुआ। हम 2x2 का एक निशान लगाएंगे ऐसे 2x2 का और हम इसे ऐसे मिला देंगे। अब जो हमने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वही हम नीचे डाउन करेंगे। 1.5 इंच जो हमने 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था उसे हम डाउन कर देंगे और अब हम इसे इससे मिला देंगे। इस वाले फैब्रिक को हम कट कर देंगे और ये हिस्सा हमारा यहाँ जुड़ जाएगा। जब हम फैब्रिक काटते हैं तो हमें 1/2 इंच मार्जिन यहाँ लेके चलना पड़ेगा और 1/2 इंच यहाँ, ताकि ये हमारा इक्वल रहे इस तरीके से। ये योक माइनस करने के बाद हमारी फुल लेंथ है, ये ध्यान रखिए फ्रेंड। अगर हम योक को माइनस करते हैं तो उसके बाद ये हमारी फुल लेंथ है और ये हमारा टोटल जो हमारी बस्ट है उसका सेकंड पार्ट दूसरा हिस्सा है, यानी 18 है। और ये कट टू टू पीस कट किए हमने, ये फ्रंट और बैक टू पीस कट करेंगे। 18 इंची हमारा फ्रंट हो गया और 18 इंची हमारा बैक हो गया और बाकी ये हम यहाँ पे गैदर्स डाल देंगे इस तरीके से। इसके पास कवर लाने के लिए हम यहाँ तक इसमें गैदर्स में कंप्लीट कर लेंगे। आप योक चाहे तो गोलाई में दे सकते हैं, योक चाहे तो आप वी आकार में दे सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्रंट नेक नहीं निकाला, फ्रंट नेक हम बस्ट का छठा निकालेंगे। बस्ट का छठा हमारे पास 6 इंच होगा जो तकरीबन यहाँ आएगा। हम ऐसे ये फ्रंट नेक भी निकाल देंगे इस तरीके से। अब हमारे पास रह जाती है हमारी बाजू। बाजू हमारी 4 इंच है, ये देखिए हम यहाँ बाजू निकालते हैं जो हमारी 4 इंच है। अब हम उसकी चौड़ाई लेंगे जो हमें लेनी है बस्ट का 4th + 5। बस्ट का फोर होता है हमारे पास 9 इंच और प्लस 5 यानी 14 इंच। हम 14 इंच ऐसे लेंगे ऐसे। अब हम इसे ऊपर एक्स्ट्रा 2 इंच ले जाएंगे और 2 इंच हम ऐसे लेंगे क्योंकि हमारी ये वाली चीज़ें काफ़ी बड़ी हैं। और हम यहाँ पे नीचे बस्ट का हम डाउन करेंगे 12वां हिस्सा माइनस 1 इंच यानी 2 इंच हम यहाँ माइनस कर देंगे। यह आएगा बस्ट का 12वां माइनस 1 इंच। ऐसे यहाँ पे आप इसको इसकी जो जो बाजू की बॉटम है 6 इंच, तो हम इसे 6 इंच ऐसे कट नहीं करेंगे, हम इसमें गैदर डाल देंगे ताकि ये एक बो फुली फुली बाजू हो बलून टाइप की इस तरह की, और ये गैदर में कंप्लीट हो जाएगी और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। ये हमारा फोल्ड साइड है और बाजू की लेंथ है 4 इंच। वही मैंने बताया, अगर आप इसे फैब्रिक पे काट दे तो हम इसमें मार्जिन लेके चलेंगे। यहाँ पे हम मार्जिन 1/2 इंच यहाँ लेके चलेंगे, 2 इंच हमने इसे ऊपर कर एक्स्ट्रा ले लिया है। जब हम यहाँ पे 1/2 इंच इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें इसे फोल्ड करने के लिए, पाइपिंग देने के लिए दूसरे फैब्रिक की आवश्यकता होगी, इसलिए हम यहाँ 1/2 इंच लेंगे। ये आप ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे नहीं बनाना है तो आप इसमें बॉटम टर्निंग के लिए 1.5 इंच लेके चल सकते हो और उसे फोल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप गैदरिंग ऐसे देंगे तो ये काफ़ी सुंदर लगेगी हमारी नाइटी में। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो हम आपको दिखा देते हैं कि हम ये चार्ट पे या फैब्रिक पे कटने पे किस तरह की दिखाई पड़ती है। ये देखिए,
ये हमारा योक है इस तरीके से, ये हमारा वो फैब्रिक है जो हमने चेस्ट का बस्ट का टू लेके टू पीस काटे हैं, और ये हम ऐसे गैदर देके यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हम बटन लगा के, चिट बटन लगा के या चैन लगा कर इसको बंद करेंगे इस तरीके से, फिर ये बन के तैयार हो जाएगी। ये हमारी स्लीव है जो इस तरीके से दिखाई देती है, इसमें भी हम जो हमारे ये हमने जो निशान लगा रखी है, ये हमारे गैदरिंग का सिंबल होता है कि हम यहाँ पे चुनट देंगे या धागा खींच के गैदर देंगे इस तरीके से हैं। आप कोई भी आकार दे सकते हैं नाइटी बनाते वक्त, आप यहाँ पे फ्रिल लगा सकते हैं, आप यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक लगा सकते हैं, कटवर्क फैब्रिक लगा सकते हैं, आप यहाँ पे भी फ्रिल लगा सकते हैं, आप यहाँ पे रबर डाल सकते हैं हल्की सी ताकि वो अपने आप चुनट आ जाए। बाकी आपके माइंड के ऊपर है कि आप इसमें कैसे करना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हो। मेजरमेंट यही रहेगा, आप कटिंग करते वक्त आप इसमें बस्ट चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज हो जाएगी, इस तरीके से हो सकती है, लेकिन जो मेथड रहेगा कट करने का वो यही रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको कहाँ परेशानी है, कहाँ आपको समझ में नहीं आया, हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे, ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर।